मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। तीन राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में जमकर कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर गुलाल लगाए और मिठाइयां बांटी। बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार किया था, जिसके बाद पार्टी को मिली जीत का असर भी कार्यकर्ताओं पर दिखा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी कार्यकर्ताओं के जश्न में शामिल हुए। खेल जगत में हार और जीत लगी रहती है, कोई हारता है कोई जीतता है, उसका ये अर्थ नहीं होता है कि कुछ भी और हो सकता है। मैं इतना कह सकती हूँ कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल की है, उसका एक परिणाम है कि उन पार्टी का कार्यकर्ताओं का मेहनत है, जनता की मेहनत है, और मोदी जी का मंत्र है, मोदी जी का गारंटी है, जो आज हम लोग को विजय हासिल कराया है। सर्वे का हम सम्मान करते हैं, लेकिन अगर जमीनी रूट पर देखा जाए, ग्राउंड रूट पर देखा जाए, गांव-गांव में, महल्ले महल्ले में देखा जाए, तो सब लोग कांग्रेस से थक चुके थे और सबका एक ही विचार था, चुपचाप कमल छाप। और सबने गांव-गांव, शहर-शहर, सब लोगों ने गली से महल्ले से बिना आवाज के, बिना डर के, सबने भारतीय जनता पार्टी को विजय हासिल कराया है। और उनको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी भी एक विकल्प है जो विकास की गंगा को बहाएगी। देखिए, ग्राउंड रियलिटी, मैं छत्तीसगढ़ में एक विधानसभा का प्रभारी था, ग्राउंड रियलिटी ये था कि जनता कांग्रेस के झूठे वादे और जो शासन और प्रशासन में भ्रष्टाचार का जो दिखावा था, माने जिस तरीके से लोग उसको अनुभव कर रहे थे, उसके कारण जनता बहुत क्षुब्ध थी। कर्ज माफी का जो एक वादा किया था, उसमें बहुत सारे किसानों के कर्ज अब तक माफ नहीं हुए थे। किसानों से उन्होंने जो धान क्रय किया, उसके भुगतान भी आधे अधूरे थे। तो इस प्रकार ये हम कह सकते हैं कि जो ग्राउंड में पोजीशन था, वो बहुत ही जनता उसके उनके विरुद्ध में थी। और जिस तरीके से उन्होंने अपनी घोषणा पत्र को भारतीय जनता पार्टी की घोषणा के देखने के बाद किस्तों में निकाला, जैसे हमने कहा कि 31,000 रुपये हम खरीदेंगे क्विंटल, तो उन्होंने 32,000 कर दिया। लेकिन ये उन्होंने केवल जनता के सामने घोषणा किया है, ये हमारे मैनिफेस्टो में नहीं था। हम ये कह रहे थे कि जो बातें हमारी मैनिफेस्टो में है, उस पर मोदी जी की गारंटी है। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।